राम राम नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी ग्रेटर नोएडा के देहात में हूँ और ये भट्टा पार्सल के पास गांव उस्मानपुर है। उस्मानपुर गांव में यह इंजन चल रहा है, यह आइसर का इंजन है, पानी की निकासी इससे हो रही है और ये पानी की जो निकासी हो रही है, जो इंजन चल रहा है आइसर का, यह गैस चूल्हा जिससे चलता है यानी इंडेन गैस के सिलेंडर से ये चल रहा है। दोस्तों एक दो नहीं तीन साल से हम ये देख रहे हैं और ये किस तरह से या किसान यहाँ इस गैस सिलेंडर से ये आइसर का इंजन चला रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं, खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। कैसे इसको आप भी लगा सकते हैं, कम खर्चे पर बढ़िया सिंचाई कर सकते हैं अपने खेतों में, किसान भाई को इससे क्या लाभ मिल रहा है, क्या उपक्रम है, कितना खर्च हो रहा है, एक घंटे में कितनी गैस लेता है, कितनी डीजल लेता है और क्या इससे किसान को लाभ मिल रहा है, सीधे किसान से बात करेंगे। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। भाई जी किस गांव के किसान हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है, गाँव उस्मानपुर है, ग्रेटर नोएडा में है आप? ग्रेटर नोएडा में। तो ये आप जो ये गैस सिलेंडर से कितने दिन से चला रहे हैं आइसर इंजन? हम इसे 4-5 साल से चला रहे हैं। 4-5 साल से चला रहे हैं जी। तो इसमें और डीजल से चलाने में क्या फायदा हो रहा है आपको, क्या नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा बताइए। इसमें 40 रुपए घंटे का फायदा है। 40 रुपए घंटे का जी। इस गैस और डीजल मिक्स चलाते हैं तो ये 60 रुपए घंटे पड़ता है, खाली डीजल पर चलाते हैं तो 100 रुपए घंटे पड़ता है। 100 रुपए। तो ये डीजल कितना लेता है एक घंटे में? मानो सिलेंडर लगा रखा है आपने और डीजल भी कितना लेगा? डीजल लेगा एक ज्यादा से ज्यादा 250 ग्राम। 250 ग्राम लेगा जी। और बिल्कुल इसको चलाएंगे डीजल पर तो डीजल का खर्चा ज्यादा आएगा। 100 रुपए। 100 रुपए घंटे का जी। और इससे लेगा मतलब चौथाई यानी कि मात्र 250 ग्राम डीजल लेगा जी। और ये गैस सिलेंडर से कितने घंटे चल जाता है आपका, ये ऐसा कुछ अनुमान किया है आपने, कितने दिन चल जाता है? अनुमान तो इसका यही है, रेगुलर नहीं चला पाते जो पूरा सिलेंडर फूंक के देखा हो आज तक, मगर वैसे घंटे लिख के देखा तो 55 से 60 रुपए घंटे पड़े हैं। 55 से 60 रुपए। तो ये डीजल और गैस दोनों चलाते हैं तो तेल पानी को ज्यादा देता है? पानी ज्यादा देगा। ज्यादा देता। ज्यादा देगा। तो ये आइसर इंजन तो काफी पुराना है तुम्हारा जी? कौन सा मॉडल होगा इस आइसर इंजन का? ये तो 20-30 साल पुराना ट्रैक्टर है। 20-30 साल पुराना इंजन है और 3-4 साल से लगातार चला रहे हैं जी। तो इसका कोई इंजन में कमी तो नहीं आई है? कोई कमी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं गैस से चलाते हैं तो बोर बैठ जाता है, इंजन खराब हो जाता है न, वो जो ज्यादा गैस छोड़ रहे हैं डीजल कम खोले हैं उनमें में दिक्कत आती है। अच्छा अच्छा जी। तो लोग यदि चलाना चाहें तो इसको किस तरह चला सकते हैं, कुछ लोग चलाना चाहें तो? इसमें डीजल पर स्टार्ट करके अच्छा और इतनी चलाओ जो इंजन बंद ना हो। अच्छा, डीजल को इतना ही चलाया जाए जितना इंजन बंद ना हो, फिर गैस लगा के गैस खोलो। अच्छा। जहाँ तक इंजन बढ़िया चले वहाँ तक गैस खोलो, जब कट कट की आवाज आए तो उससे ज्यादा नहीं खोलना। अच्छा, ये है इसकी जी। आपने जो जुगाड़ कर रखा है इसमें खर्चा कितना आ गया ये भाई ये बताइए, हम देख रहे हैं आपका ये खर्चा इसमें ज्यादा ज्यादा 250-300 रुपए का है। ये तो सिलेंडर हो गया आपका जी, और सिलेंडर में रेगुलेटर वही गैस वाला? रेगुलेटर यही है सिर्फ। ये नली हो गई, ये इसके एयर पर ये लगानी पड़ती है, एयर में जरा इसकी दिख जाएगा थोड़ा सा कहाँ से क्या, ये यहाँ से बंद होगी अभी। अच्छा अच्छा जी, ये बंद हो गया, अब यहाँ से खुल रहा है। अच्छा अच्छा, तो इसमें रेगुलेटर है एयर का? हाँ। तो ये जो खुल सकती है क्या जो आपने लगा रखा है? हाँ, जो यहाँ से सुराख होकर खुल जाए, नहीं लगवा लो। अच्छा, बर्मा से सुराख होकर कस जाती है। तो ये लोहे का जो नीचे इस पर रबड़ का चढ़ा हुआ है इसमें बर्मा से सुराख कर रखा है? ये आगे लोहे वाली टी है इसमें, अच्छा लोहे की टी है। हाँ। और उसमें रेगुलेटर लगा हुआ? रेगुलेटर लगा हुआ। कौन लगा देगा इसे, कौन थोड़ा सा सही कर सकता? कोई भी खराद वाला लगा देगा जी। तो ये जो तुम चला रहे हो आइसर इंजन गैस से जी, बिल्कुल सफल है, कोई नुकसान नहीं। हमने अभी बोर वोर नहीं कराया, इसमें रिंग विंग गिरे, इसमें 3-4 हजार रुपए लगे 4 साल में। 4 साल में जी। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है? बाकी कोई दिक्कत नहीं, डीजल पे चलाने में इतने पैसे कम लगे? पैसा ज्यादा लगते हैं। डीजल ज्यादा लगता है? नहीं, ये तो मशीनरी है, जब चाहेगी डीजल में भी लगाएंगे गैस में भी लगाएंगे। अट्ठानवे 91-73-53-93 जी। तो भाई आपके इलाके में तो लोग भी लगा रहे हैं? हमारे गांव में करीब करीब 50 सिलेंडर चल रहे हैं। 50 सिलेंडर जी। तो ये धान की खेती कर रहे हैं? आइसर पे भी चल रहे हैं, लिस्टर इंजन पे भी चल रहे हैं जी। हाँ, हमारे गांव में कर रहे हैं, बाकी और भी रास्ते को सहारो चलते फिरते लोग वाग भी देख देख के जाते हैं, बूझ के जाते हैं। हाँ जी।
तो किसान भाइयों, आपने देखा सुना और समझा, ग्रेटर नोएडा के उस्मानपुर गांव के 50 से अधिक किसान एलपीजी गैस सिलेंडर से लिस्टर इंजन, ट्रॉली और आइसर इंजन चला रहे हैं। किसान के अनुभव आपने सुने, आप भी चला सकते हैं। किस तरह से आप इसे चलाएं, किन बातों का ध्यान रखें, हम स्क्रीन पर आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। इस वीडियो का लिंक भी अपने साथियों में ज़रूर शेयर कर दें, ताकि बहुत सारे सवाल किसान लोग पूछते रहते हैं कि किस तरह से वह जुगाड़ करें। आप भी इस जुगाड़ से आधा बचत कर सकते हैं अपने डीजल इंजन की, और बढ़िया आप मुनाफा कमा सकते हैं। ना कोई खराबी होगी इंजन में, ना कोई झंझट, ना कोई अतिरिक्त तुम्हें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मात्र 250 रुपये के खर्च से आप यह जुगाड़ कर सकते हैं। आप देख रहे थे खेती किसानी में नए प्रयोग की यह वीडियो। मैं सतीश शर्मा जाफरावादी, नमस्कार।